देखो आज संडे था तो मैंने सोचा कुछ अलग करते हैं। यहाँ पर आज के वीडियो में मैं आपको वीकली कार न्यूज़ देने वाला हूँ, यानी पिछले हफ्ते कार इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हुई है, कौन से न्यू कारों को लॉन्च किया गया है, किन किन कारों के प्राइजेस कम हो चुके हैं, कौन से कारों को स्पॉट किया गया है, सभी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो थोड़ा सा हटके होने वाला है, थोड़ा सा अलग होने वाला है, तो इस वीडियो के ऊपर मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। इस वीडियो के ऊपर हम लाइक एम रखते हैं जो कि होगा 200 का। आपको करना क्या है, आपको 200 लाइक्स कंप्लीट करने हैं, और जैसे ही 200 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे कल मैं एक काफी इंटरेस्टिंग वीडियो डाल दूंगा। जो फर्स्ट न्यूज आती है वो टाटा मोटर्स की तरफ से आती है। देखो रिसेंटली टाटा मोटर्स ने टियागो और टिगोर का सीएनजी वेरिएंट इंडिया में लॉन्च किया था, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट वाली बात यह है कि इन दोनों ही कारों के अंदर आपको एएमटी ट्रांसमिशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यानी यहाँ पर आपको सीएनजी किट के साथ मैनुअल का झंझट नहीं रहने वाला। और ये दोनों ही कारें इंडिया की फर्स्ट ऐसी कार बन चुकी है जिनके अंदर आपको सीएनजी का ऑप्शन में मिलेगा और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलने वाला है, और ये चीजें आपको कंपनी की तरफ से दी जा रही है। कीमत की अगर मैं बात करूं तो टियागो के एएमटी सीएनजी की कीमत स्टार्ट होती है 7,89,000 रुपीस से, और टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत 8,89,000 रुपीस तक चली जाती है। वही दूसरी तरफ टिगोर एएमटी सीएनजी की कीमत 8,84,000 रुपीस से शुरू होकर 9,54,000 रुपीस तक चली जाती है। टियागो के चार वेरिएंट के अंदर आपको एएमटी सीएनजी का ऑप्शन मिलेगा, वही टिगोर के सिर्फ दो वेरिएंट के अंदर आपको एएमटी सीएनजी का ऑप्शन मिलने वाला है। तो ये एक चीज है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि मारुति सुजुकी की तरफ से आती है। रिसेंटली डिजायर का 2024 मॉडल स्पॉट किया गया था जिसके बहुत सारे इमेजेस और वीडियोस आउट हो चुके हैं, और ये कंफर्म हो चुका है कि मारुति सुजुकी डिजायर का फेसलिफ्ट मॉडल बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च करने वाली है। एक्सपेक्टेड चेंजेस की बात को यहां पर आपको कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिल जाएंगे, एक्सटीरियर में इंटीरियर को सुधारा जा सकता है, और इंजन के तौर पर आपको कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। अगली न्यूज हुंडई की तरफ से आती है, और इसी हफ्ते हुंडई कंपनी ने i20 का एक न्यू वेरिएंट लॉन्च किया था जो कि है स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट, और इस वेरिएंट के तहत आपको थोड़े से एडिशनल फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, और इस वेरिएंट की कीमत 8,73,000 रुपीज रखी गई है। सेम वेरिएंट के साथ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिल जाएगा, और इस वेरिएंट के अंदर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिलने वाला है। अगली न्यूज एमजी मोटर्स की तरफ से आती है, और इसी हफ्ते एमजी कंपनी ने अपने तीन कारों की कीमतों के अंदर काफी ज्यादा कटिंग कर दी है, यानी इन कारों की कीमत अब आपको काफी कम देखने को मिल जाएगी। जैसे कि एमजी ZS हो गई, इसकी जो कीमत है वो 3.9 लाख रुपीस कम कर दी गई है। वही जो कॉमेट ईवी है जिसको रिसेंटली इंडिया में लॉन्च किया गया था, इसके प्राइसेस भी कट हो चुके हैं, यानी ये कार अब 1.4 लाख रुपीस से सस्ती हो चुकी है, तो यहाँ पर इसके भी प्राइसेस कट कर दिए गए हैं। वही जो ग्लॉस्टर है इसका फेसली मॉडल बहुत जल्दी आने वाला है, और इसके भी प्राइसेस के अंदर एमजी कंपनी ने कटौती कर दी है। इस कार के प्राइसेस लगभग 1,34,000 रुपए से कट कर दिए गए हैं। नए प्राइसेस यहाँ पर मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। तो यहाँ पर इस हफ्ते एमजी कंपनी ने अपने इन कारों के प्राइसेस को कम कर दिया है। इनमें से किसी कार को अगर आपको खरीदना है तो यहाँ पर आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले है। खैर अगली न्यूज हुंडई की तरफ से आती है। रिसेंटली क्रेटा का ईवी मॉडल टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया था, और ये भी बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाली है। देखो बहुत सारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ईवी को भी ज्यादा प्रेफरेंस दे रही है, यानी ईवी कारों को भी काफी ज्यादा लेकर सीरियस है। रिसेंटली हमने देखा भारत मोबिलिटी एक्सपो में टाटा मोटर्स ने हैरियर का प्रोडक्शन रेडी मॉडल शोकेस किया था, यानी हैरियर काफी बड़ी कार है, काफी बड़ी एसयूवी कार है, उसके बावजूद भी उसका ईवी वर्जन यानी इलेक्ट्रिक वर्जन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो डेफिनेटली नीचे वाले सेगमेंट की कारों के अंदर भी आपको बहुत जल्दी इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो रिसेंटली क्रेटा का इलेक्ट्रिक मॉडल टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया था, और ये भी बोला जा रहा है कि ये कार एक सिंगल चार्ज में 400 से लेकर 450 किलोमीटर तक की रेंज दे देगी आराम से। खैर ये तो लॉन्चिंग के दौरान पता चल जाएगा। लेकिन अगली न्यूज टोयोटा की तरफ से आती है, और टोयोटा कंपनी ने अब यहाँ पर जो डीजल कार है उनकी डिलीवरीज देना शुरू कर दिया है, यानी जो डीजल पावर्ड कार है उनको डिस्पैच करना स्टार्ट कर दिया है। उनकी जो डिलीवरीज रहेंगी वो जल्दी से जल्दी आपको मिलने वाली है। हालांकि ज्यादा डिमांड की वजह से टोयोटा ने डीजल कारों का जो डिस्पैच था वो बंद कर दिया था, और बुकिंग्स लेना भी बंद कर दिया था। लेकिन अब ये चीजें रिज्यूम हो रही है, ये स्टार्ट हो रही है। अगर आपको बुक भी करनी है डीजल कार तो आप बुक कर सकते हैं, और नियर बाय शोरूम में जाकर आप वेटिंग पीरियड के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। टोयोटा ने अपनी तरफ से डीजल कारों को शोरूम के और भेजना स्टार्ट कर दिया है, तो यहाँ पर इन कारों की डिलीवरीज आपको जल्दी से जल्दी मिल सकती है। इनमें शामिल है इनोवा क्रिस्टा, फॉर्च्यूनर, हाइलक्स और लैंड क्रूजर। खैर वेटिंग पीरियड वैरी कर सकता है, लेकिन आखिरी न्यूज मैं रेनॉल्ट डस्टर की आपको देने वाला हूँ। रिसेंटली बहुत सारी रिपोर्ट में ये क्लियर
क्लियरली मेंशन किया गया है कि रेनॉल्ट कंपनी 2024 में डस्टर को इंडिया में लॉन्च करने वाली है। अब देखो इस कार की पोजीशन आपको क्रेटा सेल्टोस के सेगमेंट के अंदर देखने को मिल जाएगी और रेनॉल्ट कंपनी ने डस्टर को डिसकंटिन्यू करते हुए काफी ज्यादा समय हो चुका है। ग्लोबल मार्केट में इस कार का न्यू जनरेशन मॉडल ऑलरेडी बिक रहा है। सेम मॉडल बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है जिसके तहत आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, कम्प्लीटली नया लुक आपको देखने को मिल जाएगा, नए प्लेटफॉर्म के ऊपर डस्टर को बिल्डअप किया गया है और भी बेहतरीन फीचर्स आपको अपकमिंग रेनॉल्ट डस्टर के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ न्यूज थी इस हफ्ते की और ये संडे का एक छोटा सा वीडियो था। अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।